जी हाँ साथ में फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज के वीडियो में सीखेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जाता है, सरकार की तरफ से आवास बनाया जाता है, तो उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र में आप लिखेंगे awassap.nic.in। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज खुल कर आ जाएगा, या तो फिर आपका पेज कुछ इस तरह का खुलेगा। तो इस पर आप या तो फिर आप PMAOIG.NIC.IN पर भी जा सकते हैं। तो होम पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए चेक करने का कोई जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के बगल में आपका है इस नोट होल्डर, इस पर आप चाहें तो IAY या PMAGY या बेनिफिशरी पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जो अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर या परिवार आईडी नंबर भी मिलता है, तो उसके ज़रिए आप अप्लाई कर चेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर खुलता है तो आगे हम दिखाते हैं, या तो फिर हम चले जाते हैं इसी पर। दूसरा है या सही CC फैमिली में डिटेल से भी आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा साइड सर्वर की समस्या है इसलिए, अब देखिए यहाँ पर है। तो इस तरह से आप यहाँ स्टेट अपना सेट कर लेंगे, फिर जो PMAOIG है नंबर 7 अंक का होता है, इसको यहाँ डाल करके आप चेक कर सकते हैं। आप कैप्चा फिल करेंगे, फिर गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। जो पहला डाटा हमने खोला था क्या है, IAY या PMAAYG बेनिफिशरी, इसे जो खोलेंगे तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो आप डाटा दिखाने लगेगा, या तो फिर आप एडवांस सर्च पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। आपके पास वो नंबर नहीं है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने स्टेट को, जो भी आपका कोई भी स्टेट हो। मान लिया वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें सारी थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है इसलिए कुछ पेज नहीं खुल पाएगा, तो आप परेशान ना हो, ट्राई करते रहेंगे तो आप कर पाएंगे। उसके बाद अपना ब्लॉक चूज कर लेंगे, ब्लॉक के बाद ग्राम पंचायत, देखिए साइड इसमें डिस्टर्ब है इसलिए यहाँ पे नहीं खुला है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर स्कीम का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर फाइनेंशियल ईयर यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, फिर बेनिफिशरी का नाम लिख देंगे, BPL नंबर होगा तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो अकाउंट नंबर यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ कुछ ऑर्डर नंबर होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पिता पति का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे तो आपको सारा डाटा दिखाने लगेगा। यहाँ देखिए कई कॉलम बाकी है इसलिए नहीं खुल पा रहा है, तो आप ट्राई करते रहिए, कभी कभी साइड सर्वर काम करेगा तो फिर आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी चेक करते हैं कि जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो भी आवास के लिए आपके द्वारा या आपके ग्राम प्रधान द्वारा अप्लाई किया गया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कि शहरी क्षेत्र का किस तरह से चेक किया जाता है, तो शहरी क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।